स्टूडेंट्स वेलकम टू माई इंग्लिश ग्रामर क्लास ऑफ क्रिएट फिफ्थ टूडे इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस सो लेट्स बिगेन कम टू देज नंबर एट्टी टू चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन पास कॉन्टीन्यूस टेंस स्टूडेंट्स वर्ड पास्ट से ही पता चलता है जो एक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो काम हमने ऑलरेडी कर लिया पिछले टाइम में जो टाइम चला गया पास्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्क प्लस आईएनजी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वाज एंड वर प्लस वर्क और कंटिन्यूस के साथ क्या यूज़ होता है चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस है चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूस है उसके साथ कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ क्या यूज़ होता है आई एन जी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ग प्लस आई एन जी तो यहाँ पे हमने वॉज वर यूज करना है पर जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस तो उसमें हमने हम किस चीज का यूज करते हैं उसमें इज़ एम आर का इज एम आर यूज़ करते हैं ही शी इट के साथ जब सिंगुलर नंबर होता है फिर क्या यूज़ होता है एज़ आई के साथ एम यू वी दे के साथ आर जब प्लूरल नंबर होता है फिर क्या यूज़ होता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब आर तो मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज टेंस में हम इज एम आर को यूज़ करते हैं और पास्ट कॉन्टीन्यूज में हम कौन सी हेल्प हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वॉज एंड वर्ब प्लस वर्ब प्लस आई एन जी सो स्टूडेंट्स आई के साथ क्या यूज़ होता है सब्जेक्ट ये सारे सब्जेक्ट हैं ही आई ही शी इट वी यू दे आई के साथ क्या यूज़ होता है वॉज ही शी इट के साथ क्या यूज़ होता है वॉज अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर उसके साथ क्या यूज़ होता है अगर नंबर अगर नंबर सिंगुलर देन क्या यूज़ होता है वॉज अगर प्लूरल है फिर क्या यूज़ होता है वर वी यू दे के साथ सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होएगा वर जब एक से ज्यादा चीज़ या कोई पर्सन की बात की जाती है उसके साथ क्या यूज होता है वर अगर सिंगल चीज या पर्सन किसी के बारे में बात की जाती है फिर क्या होता है वॉज फिर क्या यूज होता है वॉज नाउ कम टू दिस डेफिनेशन जस्ट एज वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन इन प्रेजेंट वी यूज द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वेंट ऑन फॉर सम टाइम इन दी पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूस टेंस कहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं जो एक्शंस हम प्रेजेंट टाइम में परफॉर्म कर, करते हैं वहाँ पे क्या यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस फॉर एग्जाम्पल टीचर इज टीचिंग इन द्लास टीचर क्लास में पढ़ा रही है टीच कर रही है तो वो टीच कर रही है इसका मतलब वो प्रजेंट टाइम की बात हो रही है चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड तो जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या कर रहे हैं प्ले कर रहे हैं प्ले ग्राउंड में तो वो प्रेजेंट टाइम में बात हो रही है कि वो प्ले कर रहे हैं शी इज सिंगिंग सॉन्ग वो सॉन्ग को गा रही है तो ये प्रेजेंट टाइम की बात होगी ऐसे ही जो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होते हैं इन दैट केस वी इन वी यूज द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट वेंट ऑन फॉर सम टाइम इन पास्ट वो वाले एक्शंस जो हम ऑलरेडी पास्ट में कर चुके जो पिछले टाइम में थोड़े टाइम पहले हम कर चुके वहाँ पे क्या यूज़ होता है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो एक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके कोई भी काम हम ऑलरेडी कुछ टाइम पहले कर चुके वहाँ पे क्या यूज़ होता है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस फॉर एग्जाम्पल दी होल क्राउड वॉज स्क्रीमिंग द सुपर स्टार्स नेम वैन ही एंटर दी ऑडिटोरियम जो सारे लोग थे क्राउड था सुपर स्टार के आने एंटर करने के बाद ऑडिटोरियम में जब उसने एंट्री की तो सारे जाने चिलानने लगे स्क्रीमिंग मीन्स चिलाना शॉटिंग करने लगे येलिंग करने लगे वो जब जैसे ही सुपर स्टार आया तो सारे जाने येलिंग करने लग गए थे तो ये सेंटेंस पास्ट में है तो मैंने आपको क्या बताया था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वॉज वर प्लस आई एन जी तो क्या आएगा वॉज स्क्रीमिंग जो हाईलाइटेड वर्ड है ये क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस द लिटिल बेबी वॉज स्लीपिंग साउंडली थ्रो द चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस बच्चा बड़े आराम से सो रहा था पर जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा चाहे बच्चे जो थे वो बहुत नॉइज़ क्रिएट कर रहे थे पर बच्चा जो जो लिटिल बेबी था वो बड़े आराम से साउंड स्लीप कर रहा था तो यहाँ पे वाज स्लीपिंग एंड वर मेकिंग ये हाईलाइटेड वर्ड्स क्या हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यहाँ पे लिटिल बेबी की बात की है गई है यहाँ पे सिंगुलर नंबर आ गया तो क्या क्या आएगा यहाँ पे वॉज स्लीपिंग अब यहाँ पे चिल्ड्रन्स की बात की गई है तो यहाँ पे क्या आएगा वर अगर एक बच्चे की बात की होती फिर क्या आना था वॉज़ सो स्टूडेंट्स प्रेजेंट और पास्ट में क्या डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है जब हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं बट पास्ट कॉन्टीन्यूस क्या होता है जब हम पास्ट के जो जो एक्शंस ऑलरेडी हो चुके कुछ टाइम पहले जब हम पास्ट की बात करते हैं फिर क्या यूज़ होता है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट में क्या यूज़ होता है कौन सा हेल्पिंग वर्क इज़ पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वाज एंड वर प्लस आई एन जी वर् प्लस आई एन जी सो स्टूडेंट्स नोट हाउ वी फॉर्म दी यूज द टेंस फॉर्म टू बी एंड द वर्ब इन इट्स आई एन जी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके साथ क्या यूज होता है कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ वर्ब के साथ आई एन जी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर् प्लस आई एन जी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर प्लस आई एन जी नाउ कम टू दिस एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स विद पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस वी डैश एक्सपेक्ट मैनी गेस्ट दैट डे तो बहुत सारे गेस्ट की बात की गई है तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है प्लूरल तो यहाँ पे क्या यूज होएगा वर वर वर्ब क्या है एक्सपेक्ट तो एक्सपेक्ट के वर्ब के साथ क्या यूज होएगा क्या बताया मैंने आपको वर्ब के साथ क्या यूज़ होएगा आई तो यहां पे वर्ब क्या है एक्सपेक्ट उसके साथ क्या यूज हो गया वर्ब वर्ब एक्सपेक्ट है आई यूज हो गया मदर डैश कुक डिलीशियस डिशेज इन द किचन तो यहां पे जो कुक है वो क्या है वर्ब वर्ब के साथ क्या यूज हो गया कुकिंग आई तो मदर सिंगुलर है तो क्या यूज होएगा वहां पे वॉज अगर आता मदर एंड आई फिर क्या आना था वर्क कुकिंग पर अब यहाँ पे मदर मदर की बात हो रही है कि मदर डिलीशियस डिशेस बना रही है किचन में तो वहां पे क्या आएगा वॉज फादर डैश द लिविंग रूम वाई माई एल्डर ब्रदर डैश द टेबल फादर वॉज एक पर्सन की बात की है तो क्या आएगा सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या आएगा वॉज टाइडी क्या है वर्ब उसके साथ क्या आएगा आई एन जी टाइडिंग एल्डर ब्रदर लेइंग द टेबल तो यहां पे एल्डर ब्रदर की बात की गई है तो वहां पे क्या आएगा वॉज लेइंग सब वर्ब के साथ आई एन जी आई डैश हेल्प माई ब्रदर बाई ब्रिंगिंग द प्लेट्स एंड द दून तो क्या आएगा आई वॉज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या आएगा उसके साथ वॉज तो उसके साथ वर्ब uh, कौन सी है हेल्प हेल्प के साथ क्या आएगा आई एन जी हेल्पिंग माई एल्डर सिस्टर वॉज फीडिंग हर लिटल बेबी तो यहाँ पे वॉज क्या है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है एल्डर सिस्टर तो उसके साथ क्या आ जाएगा वर्ब के साथ आई एन जी फीडिंग आई माई एल्डर सिस्टर वॉज फीडिंग हर लिटल बेबी सो शी कुड नॉट हेल्प अस बट शी डैश टू क्लियर द रूम वाइट बेबी एट तो क्या आएगा बट शी शी अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज ट्राइंग टू क्लियर द रूम द बेबी एट ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ अस अब बहुत जानों की बात की गई है वर डूइंग अवर बेस्ट टू मेक इट स्पेशल डे आफ्टर ऑल इट इज नॉट एवरी डे दैट वंस ग्रैंड फादर बिकम्स सेवेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड सो ऑल ऑफ अस डैश अवर डू अवर बेस्ट टू मेक इट स्पेशल डे ऑल us यहाँ पे क्या आएगा अब बहुत जानों की बात की गई है तो सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में आ गया तो यहां पे क्या आएगा वर्ब वर के साथ क्या आएगा डूइंग डू क्या है वर्ब वर्ब के साथ क्या यूज होगा आई एन जी वर डूंग नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट लेट रिवाइज द सिंपल पास्ट एंड पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस अब हमने किस चीज़ की बात करनी है सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टीन्यूस में क्या फ़र्क है द सिंपल पास्ट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट कम्प्लीटेड एक्शन इन पास्ट वेयर एज द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वेंट ऑन फॉर सम टाइम इन दास्ट जो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस होता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है वो वाले एक्शंस जो बहुत टाइम पहले कम्प्लीटली वो परफॉर्म हो चुके हो चुके वो पर जो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है उन वो एक्शंस जो कुछ टाइम पहले हुए हैं कुछ ही टाइम पहले तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होता ये भी होते ये भी पास्ट में ही है एक्शंस जो हम पास्ट में कर चुके उनको पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस ही बोलते हैं पर डिफरेंस क्या है पर डिफरेंस क्या है कि पास्ट कॉन्टीन्यूस क्या होता है टेंस वो वाले एक्शंस जो कुछ टाइम पहले परफॉर्म हुए हैं और जो सिंपल पास्ट टेंस है वो क्या है जब हम कंप्लीट एक्शंस को परफॉर्म करते हैं कर, कर कर लेते हैं एक्शंस को कर लेते हैं पास्ट में पिछले टाइम में नाउ कम टू दिस पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस टेंस अब हमने पास्ट सिंपल पास्ट टेंस भी यूज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी यूज करना है दैश एट फुल स्पीड वेन समबड़ी डैश द चेन द ट्रेन वॉज ट्रेवलिंग एट फुल स्पीड वेन समबड़ी पोल्ड दी चेन अब यहाँ पे क्या आएगा वॉज क्योंकि एक ट्रेन की बात की गई है तो यहाँ पर क्या आएगा ट्रेवल ट्रेवल के साथ क्या आएगा आई एन जी पोल्ड दी चेन यहाँ पे क्या यूज़ हो गया सिंपल पास्ट टेंस पुल्ड सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब यूज़ होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म जिसके साथ क्या यूज़ होता है ईड कुछ केसेस में वर्ब इरेगुलर वर्ब्स हो जाती हैं बट मोस्टली जो वर्ब्स होती हैं वो रेगुलर होती हैं जिनके साथ क्या यूज़ होता है ई डी सो स्टूडेंट्स इनके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है सिंपल पास्ट टेंस में और उसके साथ ई डी का यूज़ होता है नो कम टू द्वट sing डैश last द लास्ट सॉन्ग stage दलैप्स तो क्या आएगा वर्ड सिंगिंग सिंगर्स की बात की गई है अगर सिंगर होता वाज आना था अब सिंगर्स की बात की गई है यहाँ पे क्या आएगा वर्ड सिंगिंग तो कौन सी हेल्पिंग कौन सी वर्ब लगेगी सिंपल पास टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे क्या आएगा क्लैप्स द टीचर डैश टीच अर्स मैथमेटिक्स वैन द प्रिंसिपल कॉल कॉल्ड हर टू दी ऑफिस टीचर एक टीचर की बात की गई है वो मैथमेटिक्स को टीच कर रही थी फिर जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बुला लिया तो क्या आएगा वॉस टीचिंग जब टीचर मैथ्स की क्लास टीच कर रही थी तो प्रिंसिपल ने इमिडिएटली कॉल कर लिया उसको ऑफिस में तो वॉस टीचिंग क्या आएगा यह क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कॉल्ड क्या है सिंपल पास्ट टेंस द कैट्स डैश प्ले विद द बॉल कैट्स अगर कैट होता सिंगुलर सब्जेक्ट होता नंबर होता फिर क्या जाना था वॉज अब क्या आएगा यहाँ पे वर वर प्लेइंग प्ले के साथ क्या यूज व्हेन आई एन जी विद आई डैश स्लीप आई वाज स्लीप आई सिंगुलर सब्जेक्ट क्या आएगा वाज वाज स्लीपिंग ये क्या हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ग लगी वॉज

डैश फुटबॉल दे वर प्लेइंग तो यहाँ पे क्या यूज होएगा? वैन आई फोन माई फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ना कि वॉज वर यूज होएगा और प्लस आई एनजी यूज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में तो हमने अप्रोप्रिएट ब्लैंक को चूज करना है तो so, यहाँ पे क्या यूज होएगा? वर प्लेइंग अब दे के साथ क्या यूज होगा वर पोईम वेन द प्रिंसिपल एंटर द्लास वी वी के साथ क्या होगा सिंगलर प्लूरल उसके साथ क्या यूज होगा वर वर रेन द प्रिपल एंटर द्लास आई डैश इन दोल वेन हु ग्रेट सप्लैश तो क्या आएगा आई वॉज स्विमिंग इन दोल वेन गो जम्प इन इन टू इट विद द ग्रेट सप्लैश तो क्या आएगा आई के साथ वॉज वॉज के साथ क्या यूज होगा स्विमिंग कौन सी वर्ब स्विम स्विम के साथ क्या यूज होता है आईएनजी आईएनजी क्या है ये क्या है सिंपल सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस स्विमिंग यामिनी डैश द होल यमिनी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ क्या यूज होगा वॉज साइकिलिंग तो यामिनी वॉज साइकिलिंग द होल डे यस्टरडे आई डैश टू द रेडियो आई वॉज Listening to radio again singular subject, uske sath kya use hoega? I was listening to the radio while you, you ke kya use hota hai? you were watching television. So, students, all this is about the past continuous tense and about the simple past tense. I hope all of you have understood about this concept. Thank you, have a nice day.